लोकसभा इलेक्शंस के कुछ ही घंटों में शुरू होगी आखिरी चरण जो पंजाब और चंडीगढ़ में रहेगा, तो इस बीच नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है पंजाब में और चंडीगढ़ में, बीजेपी की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कितना चैलेंजेस रहेगा, पहले से ज़्यादा अकेले लड़ रहे हो आप? देखिए, पूरे देश में आज प्रचंड तरीके से मोदी लहर जो है वो दिख रही है, और वही लहर आज पंजाब और चंडीगढ़ में भी मैं महसूस कर रहा हूँ। और पंजाब और चंडीगढ़ में भी जिस प्रकार से पूरे देश में कमल खिल रहा है, यहाँ पर भी खिलेगा, और अब की बार एनडीए के लिए 400 पार होने वाला है। इसके अलावा बात करें तो तरह तरह के व्यंग जो कसते हैं, कल राज्यसभा मेंबर संजय सिंह का एक बयान आता है, वो बोलते हैं कि जो नरेंद्र मोदी और भाजपा है वो पार्टी चोर हैं, और इस तरीके से उन्होंने बोला कि पहले बाइक चोर सुना था, कार चोर सुना था, सोना चोर सुना था, ये भी सुने अब पार्टी चुराने आया, हमारा झाड़ू चुराने आया पंजाब में। संजय सिंह जी, स्वाभाविक सी बात है, उनके गठबंधन में एक चारा चोर है, उनके नेता खुद शराब के अंदर चोरी करने वाले शराब चोर है, और जो पार्टी जिसमें हर दिल्ली के हर विभाग में इन्होंने चोरी करके भ्रष्टाचार किया हो, चाहे शिक्षा में चोरी, चाहे बस घोटाले में चोरी, चाहे उन्होंने जिस प्रकार से बिजली में चोरी की हो, तो मुझे लगता है कि उनको हर जगह चोरी दिखाई देता है, क्योंकि झाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी, और जिनका पुराना इतिहास भी कहीं पर कुछ इस प्रकार की मार्केटिंग में ब्लैक करना हो, तो मुझे लगता है कि उसको तो लगता है कि हर व्यक्ति इस प्रकार से ही होता है। तो संजय सिंह जी ये बोले तो मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है, वो अपनी ही पार्टी और अपने ही गठबंधन के नेताओं के बारे में बोल रहे होंगे, वहाँ पे तो सर्टिफाइड चोर की जमात और बारात बैठी हुई है। स्वाति मालीवाल केस में एक बार फिर से थोड़ा दबके रह गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो, राज्यसभा मेंबर संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, और बाकी जो नेता है आम आदमी पार्टी के, वो पंजाब में प्रचार कर रहे हैं इलेक्शंस को लेके, लेकिन उस केस में क्यों चुप्पी धारी हुई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आम आदमी पार्टी एक बहुत ही निर्लज पार्टी है और एंटी औरत पार्टी बन चुकी है, चाहे स्वाति मालीवाल का केस हो जिसमें विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल संरक्षण देते हैं, या चाहे 21 वर्षीय बच्ची के सेक्सप्लॉयटेशन का केस हो जिसमें बलकार सिंह को लेकर घूम रहे वो, तो ये उनकी निर्लजता को दिखाता है। निर्भया आंदोलन से निकली हुई पार्टी आज महिला उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़ी हो गई है, ये इनका सियासी धर्मांतरण है। अन्ना के साथ हुआ करते थे, आज लालू जी के साथ खड़े हो चुके हैं, तो इस पार्टी का चरित्र जैसे बदला है, सबसे ज़्यादा और तेज़ी से बदला है। और आज सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी अब 16 दिन हो गए स्वाति मालीवाल पर एक शब्द नहीं बोलेंगे? संजय सिंह ने तो पुष्टि की थी कि इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था, और अब बलकार सिंह का भी इस्तीफा लेने से कतरा रहे हैं, लालचंद कटारूचक का भी नहीं लिया, सोमनाथ भारती जी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया जिन्होंने महिलाओं पर उत्पीड़न किया, तो इनका पार्टी का कैरेक्टर दिखता है। तो इसके अलावा बात करें तो सर, अब आरी बार जो वीडियोस इनकी ही सामने आती है, पहले लालचंद कटारूचक की थी, अब बलकार सिंह की आई है, तो इस मुद्दे पर हमने देखा भी रोड शोज में केजरीवाल के साथ ही बलकार सिंह की काफ़ी पिक्चर्स हैं, इतना भी पता चला है, काफ़ी नेर बाय इनके। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जो भी महिला उत्पीड़न करता है उसका हाथ अरविंद केजरीवाल के साथ, इसलिए विभव कुमार के ऊपर गंभीर आरोप उन्हीं के राज्यसभा सांसद ने लगाए, उन्हीं के राज्यसभा सांसद ने कन्फर्म किए, उनको लेकर घूम रहे थे, संरक्षण दे रहे थे। बलकार सिंह पर भी आरोप लगे हैं, NCW ने संज्ञान लिया है, पर उस पर कार्रवाई करने के बदले, उनकी इस्तीफे लेने के बदले आज उनको वो संरक्षण दे रहे हैं, तो इससे संदेश साफ है कि आम आदमी पार्टी महिला सशक्तिकरण से कोई वास्ता नहीं रखती, कोई नाता नहीं रखती। इंडिया अलायंस से सवाल है कि अब ऐसे वीडियोस जब सामने आ चुके हैं, तब वो उनमें से एक भी कोई बलकार सिंह का ना इस्तीफा मांग रहा है, ना कोई प्रदर्शन करने आया है। प्रियंका वाड्रा जी और प्रियंका चतुर्वेदी जी और बाकी इनकी जो नेताएं हैं वो कहाँ चली गई हैं? क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से मतलब हमेशा लड़ती रहती है, दूसरी तरफ चंडीगढ़ में इकट्ठे होकर रोड शो भी करेंगे आज अरविंद केजरीवाल और साथ में जो चंडीगढ़ के प्रत्याशी हैं मनीष, वो भी, और इसके अलावा बात करें तो पंजाब में किस तरीके से आप इन सब को देखते हैं, चंडीगढ़ और पंजाब में क्या ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता मतलब का रिश्ता है, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स है। अब दिल्ली में जहाँ तक
छठा फेज हुआ तब तक उनकी दोस्ती थी, अब छठा फेज समाप्त हुआ और सातवां फेज आया है तो उनकी जो है कुश्ती शुरू हो चुकी है पंजाब में एक दूसरे के साथ, पर वहाँ पर कुश्ती चल रही है, चंडीगढ़ में इनकी मस्ती चल रही है। तो ये ऐसा रिश्ता है जिसको फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स कह सकते हैं, और ये 4 जून तक का रिश्ता है। 4 जून 12 बजे जैसे नतीजे आएंगे तब ये एक दूसरे को गालियाँ देते रहेंगे और एक दूसरे को गालियाँ बकते हुए एक दूसरे से ट्रिपल तलाक ले लेंगे। चन्नी जी इनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं और मनीष तिवारी इनको सदाचारी कह रहे हैं। मतलब अब बताएं, मनीष तिवारी जी सही है या चन्नी जी सही है? मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से पंजाब में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो विज़न क्या रहेगा आपका? देखिए, विकसित भारत ये हमारा एकमात्र विज़न है कि जिस प्रकार से 10 वर्षों में हमने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को, हमने जिस प्रकार से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, हमने भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है, हमने सामाजिक जनकल्याणकारी नीतियाँ बिना कोई भ्रष्टाचार के गरीबों तक पहुँचाए हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है, अब इसको आगे ले जाते हुए 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है और उसके लिए अगले 5 वर्ष सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होंगे जिसमें कि भारत विकसित भारत बनने की ओर टेक ऑफ करेगा और अब ऐसी उड़ान भरेगा कि भारत को कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। एक और सवाल आ रहा है जहन में कि जिस तरीके से आपने विकसित भारत बोला उसमें गैंगस्टरवाद खत्म करना, नशे को ख़त्म करना, बेरोजगारी ख़त्म करनी, ये भी इसका एक मुख्य आप करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि हमने तो करके दिखाया है और मुझे लगता है कि यूपी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था, जहाँ पर माफिया की तूती चलती थी, आज वो माफिया के डॉन तख्ती लगाकर भीख मांगते हैं कि हमें जेल में डाल दीजिए, हम बाहर सुरक्षित नहीं हैं। और जिस प्रकार से एक समय पर यूपी की जेलों में आने के लिए लोग कहते थे कि हम यूपी की जेल में रहना चाहते हैं, पर हमने देखा कि मुख्तार अंसारी, जिसको पंजाब की जेल में दामाद बनाकर रखा गया था कांग्रेस की सरकार के द्वारा, वो भी कतरा रहा था यूपी की जेल में आने के लिए। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का कड़ा कदम उठाती है माफिया डॉन और इस प्रकार के नशा कारोबारियों के या इस प्रकार के उग्र तत्वों के खिलाफ, वो मॉडल हमने करके दिखाया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द पंजाब में भी इस प्रकार का मॉडल अपनाना चाहिए। क्योंकि पंजाब की जो सरकार मौजूदा है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो भी जब सत्ता में आना था तब वो यही कहते थे कि हम गैंगस्टरवाद को ख़त्म कर देंगे, बेरोजगारी को ख़त्म कर देंगे, नशे को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अभी भी चर्चाएं हैं गांवों में, शहरों में कि ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। ये इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि उन्होंने नशा माफिया, शराब माफिया, भ्रष्टाचार करने वाले सभी लोगों को अपने साथ शामिल कर दिया है, तो उनको ख़त्म करने के बदले उनको अपने आप में शामिल कर दिया है और इसीलिए जो वादे उन्होंने किए थे अब इतने वर्ष होने आए हैं वो वादे पूरे नहीं हुए, उल्टा पंजाब की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, पंजाब में नशा माफिया बढ़ चुका है। और पंजाब में ही आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट आई है कि किस प्रकार से पहले वर्ष में आम आदमी पार्टी के आने के बाद पंजाब का 85% इन्वेस्टमेंट गिरा था, तो मुझे लगता है ये दिखाता है कि आज पंजाब के साथ जिस प्रकार का छलावा और धोखा हुआ है, इन्होंने तो बेअदबी पर भी कोई कार्रवाई ठीक से नहीं की है, तो पंजाब की जनता अब बदलाव के मूड में है और वो बदलाव जो है 2024 से ही शुरू होगा। धन्यवाद। तो नेशनल स्पोक्सपर्सन सिद्धार्थ पूनावाला से खास बातचीत की है, इलेक्शंस को लेकर क्या माहौल है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है बीजेपी की और क्या विजन रहेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मनजोत सिंह कंग, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।